बैक अगेन टू अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक और नए वीडियो को लेके आ गया हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ओप्पो A520 के फ़ोन में अपने वीडियोज़ को एडिट कर सकते हो। ऐसे तो आप अपने वीडियोज़ को एडिट करते हो गए एप्लीकेशन से, जैसे कि बेस्ट एप्लीकेशन फॉर मोबाइल हो गया काइन मास्टर, और अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर PC है तो आप फिल्मोरा ऐप यूज़ करते हो गए। बट ये सब ऐप आपको इसमें कुछ यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ओप्पो A520 के फ़ोन में एप्लीकेशन दिया हुआ नहीं, बस एक सेटिंग दिया गया है एडिट का, उसमें से आप अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत कम लोगों को, मतलब ये ट्रिक जो है, ये जो सेटिंग है बहुत कम लोगों को पता है। तो ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आखिर ओप्पो A520 के फ़ोन में ऐसा भी कोई वीडियो एडिटर छुपा हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट कर देने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारा लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वीडियो शूट किया, देख सकते हो यहाँ वीडियो आपको स्क्रीन के सामने दिखता होगा, यहाँ पर वीडियो आपको प्ले हो रहा है। ये वीडियो प्ले हो गया है तो मैंने इसे शूट किया, ठीक है। सपोज आपने कोई भी वीडियो शूट किया और आपको ओपन कर देना गैलरी से, याद रखें गैलरी से ओपन कीजिएगा। अगर गैलरी से देख सकते हो यहाँ पर वीडियो चल रहा है, ठीक है। वीडियो चलने के बाद आप क्या करते हो, आप बहुत अदर एप्लीकेशन से एडिट करते हो वीडियो को, बट यहाँ पर कुछ नहीं, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट वीडियो के नीचे यहाँ 5 आपको ऑप्शन मिल जाएगा, शेयर, फेवरेट, एडिट, डिलीट और मोर। आपको एडिट वाले ऑप्शन में सिंपली सेलेक्ट कर देना। जैसे ही आप एडिट वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ रेशियो सेट करने के लिए आ जाएगा, स्लो मो में कर रखना चाहते हो कि फास्ट मोड में रखना चाहते हो। चलिए मैं एक वीडियो प्ले कर देख, ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये नॉर्मल में, जैसे कि मैंने शूट किया बस उसी में है ये वीडियो, ठीक है, उतना ही में। चलिए मैं चाहता हूँ कि इसे स्लो हो जाए, तो देखिए स्लो में चलने लगेगा, इसे स्लो हो जाए, इसे स्लो और हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ फास्ट हो, हल्का फास्ट हो जाएगा, चाहता हूँ इससे और फास्ट हो जाए, फास्ट हो जाएगा। तो ये आप अपना मर्जी सेट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको ये सब करने के बाद आपको नेक्स्ट में चले जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट में चले जाते हैं, यहाँ पर आपको क्रोप एल्स रोटेट का ऑप्शन आ जाता है। सेकंड अब सब आपको थीम आ जाता है, ठीक है। चलिए थीम आने के बाद अगर आप चाहते हो कुछ थीम में कुछ अदर एक्टिविटी लगाएं, देख सकते हो जैसे ही मैंने थीम सेलेक्ट किया, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी आ गया और म्यूजिक बज रहा। लेंस में किया, लेंस में भी आ गया, और मेमोरी में क्या, मेमोरी में आ गया। बाकी ये सब आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो इसमें से कोई भी ना लगाए तो बैक कर देना, अगर चाहते हो कोई भी लगाए तो लगा सकते हो। उसके बाद आप फिल्टर में चले जाना है। फिल्टर में चले जाने के बाद यहाँ पर एक से एक आपको फिल्टर दिखता होगा, देख सकते हो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रहा, मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो एक से एक फिल्टर यहाँ चेंज हो रही है, ठीक है। यह फिल्टर आप चेंज कर सकते हो, अपना अपने हिसाब से लगा सकते हो। फिल्टर के बाद आपके यहाँ साउंड ट्रैक, ठीक है, साउंड ट्रैक जैसे कि सनराइज, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो कि होपफुल का साउंड लगे, हैप्पी का साउंड लगे, बहुत सारा यहाँ पर साउंड है, सबको आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको लगा लेना। उसके बाद आपको स्पेशल इफेक्ट में चले जाना है। स्पेशल इफेक्ट यानी कि क्लोजअप, आप वीडियो को शूट कर रहे हो, आप चाहते हो कोई उसका सीन जो है, कोई भी एक पार्ट है वो क्लोजअप में हो, जैसे कि चलिए ये वाला पार्ट आपको सिंपली से यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ लगा देना, फिर से मैं प्ले कर देख सकते हो फ्रेंड्स, फिर से मैं प्ले करना चाहता हूँ, मैं क्लोजअप शॉट लगा दिया हूँ, अब देखिए प्ले कर दिया, जूम हुआ, जूम इन हुआ। अगर आप चाहते हो कि अलग टाइप का रहे तो ये अलग टाइप का भी रहेगा, देख सकते हो। तो ये सब सेटिंग आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई भी ना लगाएं तो आपको नन में सेलेक्ट कर देना, उसके बाद बैक चले जाना। उसके बाद एक आता है टेक्स्ट, आप यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट में आपको ये यहाँ वाले बटन को, आपको ये वाले को आपको टच कर देना। फिर से मैं बैक चल के दिखा देता हूँ आपको। स्पेशल इफेक्ट के बाद यहाँ पर टेक्स्ट का एक ऑप्शन आता है, टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट कर देना है, यहाँ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है, यहाँ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर निक्की शर्मा ऑफिशियल, यहाँ जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट आ गया। आप चाहते हो कि रखने के लिए यहाँ पर रख सकते हो, आप प्ले करके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, बस यही मैं वीडियो में बताने वाला था कि कैसे आप अपने ओप्पो A520 फोन में एडिट कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज कीप वॉचिंग वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे, थैंक यू।